आज जनिया भगवंत मान नौटंकी करन लग गया होया। ये नौटंकी पंजाब दे लोगों नू रिजेक्ट करनी चाहिए। जिहड़ी गल मैं पहला कही है, एक गलत आम आदमी पार्टी ने प्रचार किया कि जी जे पांच बारी एमएलए बन गया तो पांच पेंशन लेंगे, एक गलत है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे वल्लों हर विधायक नू एक पेंशन देन दा ऐलान किया गया, जिस तो बाद सियासत लगातार तूल फड़दी दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेसी साबका विधायक कुलदीप सिंह वैद्य वल्लों वड्डा बयान दिता गया, जिथे उन्हां दा कहना है कि विधायक पंजाब दे लोकां दे लई 24 घंटे हाजिर रहिंदे ने। उन्हां दे दफ्तरां दा खर्चा ही इन्ना हो जांदा है कि उसका सिर्फ 60-80 हजार दे नाल गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपने बच्चे भी पालने हुंदे ने। आम आदमी पार्टी ते निशाना साधे हुए साबका विधायक ने कहा कि जेकर विधायक दे कोल पैसे नहीं होणगे तां भ्रिष्टाचार ज्यादा करेगा। ते तुहाडे कोल अवेलेबल है, उहदे दफ्तर दा खर्चा ही इन्ना ज्यादा हो जांदा है, 54,000 नाल 60,000 नाल 80,000 नाल गुजारा नहीं हो सकता। उन्हें अपने बच्चे भी पालने ने। जे तुसी कल्ली कह दियो भी सेवा ही है, फिर तो सारे हिंदुस्तान च बंद कर दियो, फिर सारे बराबर कर दियो। मैं तुहानू दसना चाहना, यूपी दे विच एक एमएलए की जिहड़ी तनखाह आ टोटल अमालूमेंट 1,98,000 है, तकरीबन 2,00,000। हिमाचल प्रदेश दे विच 1,90,000 है, राजस्थान दे विच 1,42,000 है, तेलंगाना दे विच 2,50,000 रुपये। ये कहा जाता है कि जिहड़ा एमएलए का स्टेटस है वह हैगा आ चीफ सैकटरी दे स्टेट दे बराबर। मैं कहना ना तुसी उस तो वध दिओ, कम से कम एमएलए नूं जिहड़ा चीफ सैकटरी का जिहड़ा स्टेटस है वह जरूर देना चाहिए, उहदे नाल उहनूं उन्नी सैलरी देनी चाहिए। ये क्यों मैं कहना, सारा दिन एमएलए ने काम करना, उहनां दे परिवार भी नाल काम करदे ने। जे किसी एमएलए कोले चाह पिलाउण नूं पैसे नहीं होणगे तो करप्शन करेगा। यही केजरीवाल दा, केजरीवाल ने कीता सी आके, जे उहनां दे एमएलए दे कोले प्रॉपर पैसे नहीं है, रोटी चलाउण नूं पैसे नहीं है तो करप्शन करनगे। इहदे विच कोई बुराई नहीं कि एमएलए दी तनखाह वध चाहीदी है, इहदे विच कोई बुराई नहीं कि उहनूं पेंशन भी चाहीदी है। हाँ, जिहड़ी गल मैं पहलां कही है, इह गलत आम आदमी पार्टी ने प्रचार किया कि जी जे पांच वारी एमएलए बन गया तो पांच पेंशन लैंदे, इह गलत है। सिर्फ इंक्रीमेंट मिलती है, इस करके इह जिहड़ा फैसला भगवंत मान ने किया है इंक्रीमेंट बंद करन दा, मैं इहदे नाल सहमत नहीं हाँ। परसेंटेज घटाई वधाई जा सकती है, जिस तरह मैं डीसी भी रहा, मैं रिटायर होया एज एन आई एस अफसर, मेरे जिहड़े भत्ते ने उहनां दे विच वी सरकारां द्वारा किते ना किते थोड़ा बाता महंगाई करके इनफ्लेशन करके उहदे च वी वाधा हुंदा। ते जे एमएलए नूं एक पेंशन मिलदी है, जे उहनूं कोई परसेंटेज महंगाई दे मुताबक वधदी है, तां इहदे च कोई नुकसान नहीं है, कोई गलत गल नहीं है। लोगां नूं भगवंत मान दे इस फैसले दा विरोध करना चाहीदा। सर, लगदा नहीं है कि इहदे नाल भगवंत कह रहे ने कि लोगों का फायदा होगा, क्योंकि लगभग 80 करोड़ जो है वो बचत होगी, 80 करोड़ की सर। लेकिन करप्शन कितनी बढ़ेगी, उन्हें एमएलए करप्शन करेंगे, कितों चलाएंगे अपने घर एमएलए। जिहड़ा एक एमएलए आम आदमी पार्टी का बनया है जां दूजियां पार्टियां का एमएलए है, जिहदे कोले कोई बिजनेस नहीं है, कोई रिसोर्सिज नहीं है, वह अपना घर बार किदां चलाऊगा, वह किदां मुफ्त में सेवा करेगा। मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हाँ। हाँ, जिहड़ा इनक्रीमेंट है पेंशन तो बाद वह घटाया जा सकता है, उहदी परसेंटेज घटाई जा सकती है अकॉर्डिंग टू, मैं बार बार कहना अकॉर्डिंग टू महंगाई। जिवें महंगाई भत्ता मुलाजमान नूं मिलदा, उस दे हिसाब नाल एमएलएआं दा भी जिहड़ा इनक्रीज है महंगाई करके वह होनी चाहिए। सर, इहदा मतलब कि भगवंत मान पंजाब दे लोकां नूं ड्रामेबाजी है। काम तां करन वाला इह है, इह कहिंदे सी असीं 15,000 करोड़ रुपया एक्साइज चो रेवेन्यू, काम तो वह करन, ठीक है ना। रेते बजरी तो कहते सी असी 30,000 करोड़ रुपया वहां लियावेंगे, काम तो यह करे ना जी। ये तो एवें हुण शोशेबाजियां ड्रामेबाजियां च लग गया जी, वह पत्ता कटाता जी, ये फोकी वाहवा शावा आ, इहदे विच कुछ नहीं रखिया। ये पंजाब दे लोग आम आदमी पार्टियां ने पहला भी गरंटियां दे दे के सानू वरगला लिया, इन्हां दे बहकलावे च ना आओ। ये जिहड़ा इनक्रीमेंट घटाया खत्म किया, इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैना, फर्क तो यह पैना कि अपनियां गड्डियां ना चलाउण, ये गल्लां ही करनियां चाहुंदे आ, तो फिर ये ना करन
जे कितों रेवेन्यू जनरेट हुंदा है वह करन, एक्साइज चो रेवेन्यू जनरेट करन, रेते बजरी तो रेवेन्यू जनरेट करन, रूरल डिवेलपमेंट फंड है, वैट है, एक्साइज, ये सारा कुछ करन। आ जिहड़ियां भगवंत मान नौटंकी करन लग्या होया, ये नौटंकी पंजाब दे लोगां नूं रिजेक्ट करनी चाहिए।